भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को बिना हेलमेट पहने देखते ही पुलिस के जवानों ने उसे रोका। ट्रैफिक पुलिस के रोकते ही युवक आग बबूला हो गया और अपने आप को डीएम के गाड़ी का चालक बताते हुए ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए सरेआम पुलिस जवान को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस जवान के द्वारा चेक करने के दौरान उसके पास से एक पैकेट गांजा भी बरामद हुआ। अब आपको इस महाशय की पहचान कराते हैं। पुलिस जवान को थप्पड़ जड़ने वाला यह युवक जगदीशपुर प्रखंड के साजंगी पंचायत के मुखिया समाना खातून का पुत्र मोहम्मद तौफीक है, जो अपने आप को डीएम साहब का चालक बताते हुए धौंस जमाते हुए ट्रैफिक जवान को थप्पड़ मार दिया। वहीं कुछ माह पूर्व साजंगी पंचायत के 4 नंबर वार्ड सदस्य की पुत्री को कोचिंग जाने के दौरान छेड़छाड़ एवं जबरन शादी करने के आरोप में यह रईस ज्यादा जेल की हवा भी खा चुका है। अब देखना यह है कि ऐसे मनमड़ू किस्म के अपराधी मुखिया के पुत्र पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कहाँ घर है ये? गाड़ी चेक करने के दौरान हम बिना हेलमेट के गाड़ी ले जा रहा था, उस वक्त हम गाड़ी चेक किया, इसको लगवाएं, उसका उतर कर बोल रहा है कि हम डीएम साहब के ड्राइवर हैं कि आप गाड़ी जहां मन करे वहां ले जाइए, जौना थाना में ले जाना है थाना ले जाइए, हम चलान नहीं कटवाएंगे। और उसके बाद जा गया वहाँ, सिगरेट पिया हम पी कर उसके बाद गाड़ी लेते हुए भागा। फिर हम चाहते वहाँ हमसे हथवाई किया, एक टावर हमको मार दिया। उसके बाद हम सिपाही देखा, ये सिपाही है, आइए सिपाही, इस सिपाही को हम बुलाए, तुरंत आकर पकड़ा उसको और लेकर हम आए, हम पे हाथ उठाया है, बोल रहा है कि जो करना है क्या बोला, पब्लिक के सामने मारा है इसको, धराता है। भागलपुर से कहलगांव और पीरपैंती को जोड़ने वाली मुख्य सड़क NH-80 पर करीब 4 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी बह रहा है, जिस कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है और लोग नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर दिखे। सबौर के घोसपुर के समीप NH पर लगभग 1.5 किलोमीटर तक करीब 4 फीट पानी बह रहा है, जबकि खनकित्ता चौक से ममलखा तक करीब 2.5 किलोमीटर तक NH-80 पर बाढ़ के पानी का काफी तेजी से बहाव हो रहा है। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर पैदल और साइकिल से आवाजाही करते दिखे। परेशान लोग अब जिला प्रशासन के द्वारा NH को बचाए जाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से नाराज भी दिखे। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को उचित सहायता दिए जाने की बात कही। सबौर के घोसपुर NH पहुंचकर वहां के हालात को जाना हमारे संवाददाता अश्वनी कुमार ने। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भागलपुर के 16 प्रखंड में से लगभग 15 प्रखंड पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर कहलगांव NH-80 सड़क पर। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखा जा रहा है। NH-80 है यहाँ पर, कभी ट्रक है, 14 चक्का वाहन, 12 चक्का वाहन और 4 चक्के जो है 2 चक्के वाहन यहाँ पर फर्राटे भरते थे, लेकिन अभी की स्थिति आप देख सकते हैं कि गंगा का जो है रफ्तार काफ़ी तेज हो चुका है। पर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा लगातार बढ़ रही है। और केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बात करें तो रविवार तक गंगा का जलस्तर और बढ़ेगा और स्थिति जो है जिले में भयावह हो जाएगी। जो जिले के दियारा इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गंगा जो है अब शहरी क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है, शहरी क्षेत्र के भी कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। NH-80 सड़क पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घुटने भर यहाँ पर पानी है, इससे भी लोग किसी तरह अभी तक गुजर रहे हैं, साइकिल लेकर यहाँ पर गुजर रहे हैं, नावों का परिचालन यहाँ पर किया जा रहा है। स्थिति जो है काफ़ी भयावह हो चुकी है। लगातार जिला प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रही है। कुछ दिन पहले NH-80 पर पानी चढ़ा, जिसके बाद यहाँ पर जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग दे दिया और आवागमन जो है यहाँ पर बंद कर दिया। इसके बाद बता दें कि ये जो पानी है इस पार जाकर रेलवे लाइन के तरफ बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे गंगा के जलस्तर में, इसी तरह बढ़ोतरी होती रही, तो यहाँ रेलवे लाइन तक गंगा जो है पहुँच जाएगा और पटरी पर पानी का दबाव बनेगा, जिससे रेल परिचालन भी ठप करना पड़ सकता है। यानी कि हम पूरी तरह कह सकते हैं कि भागलपुर से कहलगांव का जो है आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाएगा। यहाँ के लोग भी जो है कहलगांव नहीं जा पा रहे हैं, रेल एकमात्र सहारा है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। भागलपुर का लगभग हिस्सा जलमग्न हो चुका है, कुछ मात्र हिस्से बचे हैं, तो वहाँ पर भी गंगा के जलस्तर का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। नवगछिया की भी बात करें तो वहाँ पर गंगा और कोसी के पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सड़कों पर लगातार पानी का दबाव बनते जा रहा है, स्थिति बनी हुई है। इधर देख सकते हैं स्थिति, गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, किस तरह से यहाँ पर हालात हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये मुख्य सड़क सबौर के समीप NH-80 के पास से ये आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने सहयोगी पर्सन राजीव के साथ। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण गंगा का रौद्र रूप दियारा क्षेत्रों के साथ साथ जिले के निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। सबौर प्रखंड के संत नगर गांव में महिलाएं माँ गंगा की पूजा अर्चना कर उनको शांत रहने की विनती करती दिखी। महिलाएं माँ गंगा के कहर को कम करने के लिए भजन गाकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती दिखी। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि उन सभी के पूरे गांव में गंगा नदी के कारण बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, इससे पूरे गांव के लोग काफी परेशान हैं। अब माँ गंगा हम सबों की गलतियों को क्षमा करते हुए अपने स्थान पर जाएं और हम सबों का उद्धार करें। गंगा माई घूरी जाबे ने काटा आरो की कट जतन ती लागिल छे कौन कसो कौन देश जेबो ने जेबो हमरा रहे वास्ता सरकार कुछ सुविधा दे। पूजा करै छिए चलो जा गंगा माँ, हमरा सनी क्षति पहुँची रहल छै मालो के बकरी के आदमी के सब के केना के खा करे आरो कथी वास्ता गंगा माँ जाय करे जे गंगा माँ काटे ए एक मिनट चाची तो गंगा माँ जाय बस की करला छौ गंगा माँ गंगा माँ डुबार ल छै हां 10 दिन से कोनी आइन छै मचानी छै हां। भागलपुर में लाखों की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, यहाँ के लोग किसी तरह जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बीच भागलपुर के सबौर प्रखंड के बगडेर बगीचा निवासी नीतीश कुमार ने एक मिसाल पेश की है। दरअसल बाढ़ की विभीषिका के बीच अपने खुद के छप्पड़ पर नीतीश कुमार पढ़ाई करता हुआ नजर आया। नीतीश कुमार ने पढ़ाई के प्रति कुछ अलग तरीके से लगन प्रदर्शित किया है। नीतीश ने बताया कि वो ITI का छात्र है, बाढ़ के कारण ना ट्यूशन जा पा रहा है और ना ही स्कूल जा पा रहा है। बाढ़ में उसके महंगे किताब भी भींग गए हैं। फूस की झोपड़ी वाले छत पर किताबों को सुखाकर पढ़ाई कर रहा है। परिवार के सभी लोग शिविर में चले गए हैं और नीतीश घर की देखभाल के लिए उनके घर पर ही रुक गए और समय निकालकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। नीतीश ने बताया कि अच्छे अंक लाकर इंटरव्यू पास करना है और सरकारी अफसर बनना है और अपने गांव को बाढ़ से बचाना है। भींगा हुआ किताब पढ़ रहे हैं, पूरे भींग है, बहुत महंगा किताब है, ITI का है और 1100 रुपया लगा है किताब में। महंगा महंगा बहुत मेरा किताब था, सब भींग गया है। इसके लिए हम लोग गरीब हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। यही सब भींगा हुआ किताब में पढ़ते हैं। यही पर आप पढ़ रहे हैं? हाँ, क्या करेंगे। परीक्षा कब? परीक्षा मार्च में है। हम लोगों का टाइम बहुत कम है, इसके लिए हम कम अंक लाएंगे। पढ़ रहे नहीं है, कुछ पढ़ लिख नहीं रहे हैं, बाढ़ में कहाँ जाएंगे पढ़ने लिखने, इसलिए छपड़े पर कुछ पढ़ रहे हैं, भींगा हुआ किताब है। भागलपुर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण एक और जहां जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक प्रवेश कर गया है, वहीं सड़कों पर भी बाढ़ का पानी फैल जाने से अब लोगों के लिए नाव ही सहारा बच गया है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हो रही है, जहां से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने और बाजार से खरीदारी करने के लिए नाव के सहारे आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नाविकों के दौरान नाव पर ओवरलोडिंग किया जा रहा है और जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं, वो हादसे को आमंत्रित करने वाला है। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो सबौर प्रखंड के घोसपुर के समीप का है, जहाँ फरक्का, ममलखा, इंग्लिश फरक्का, बगडेर बगीचा समेत कई गाँव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाव से अपने मोटरसाइकिल, साइकिल और सामान के साथ यात्रा करते दिखे। इस दौरान जब हमने नाविक से क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर बैठाए जाने के बाबत पूछा तो नाविक ने साफ शब्दों में कहा कि वह क्षमता के अनुसार ही अपने नाव पर सवारी और सामान लोड करता है।
है। वहीं सबौर थाना के जमादार ने कुछ भी पता होने से इनकार करते हुए ओवरलोडेड नाव पर रोक लगाए जाने की बात कही। जबकि ओवरलोड नाव घोसपुर के पास पहुंची तो सबौर थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी वहीं लगी हुई थी। था। अभी तो हम लोग के पास सारा वीडियो है। ओवरलोड तो नहीं था, बत्ती का ऊपर था। ओवरलोड ना था, एक चीज बताइए। है बत्ती का ऊपर था। उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा था नाव पर, और यदि कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? पौने 300 मन का है, ठीक है। कितना होगा, 50-60 आदमी? 60 आदमी गाड़ी था, साइकिल था। हाँ, पौने 300 मन का ला है। उसमें 60 आदमी है, 60 आदमी में लोड नहीं हो जाएगा? लग रहा था भीड़ भाड़ लग रहा था, लेकिन हम लोग पौने 300 मन लोड करते हैं बालू। तो बालू और आदमी मन आदमी है, तो 50-60 आदमी था। 50-60 आदमी तो ओवरलोड नहीं होगा, हम लोग तो जान बचाइए के लिए काम करेंगे। खतरा तो है बना हुआ, ज्यादा ओवरलोड होगा तो खतरा हो सकता है। क्या आप लोग उसको नहीं देखते हैं? हादसा होने की संभावना है, जाग सकते हैं, बोल सकते हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण भागलपुर में कई जगहों पर बाढ़ का पानी मुख्य सड़क पथ NH-80 के ऊपर काफी तेजी से बह रहा है, जिसके बाद लोगों ने जान माल की रक्षा के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग कर वाहनों के साथ साथ आम लोगों के परिचालन पर भी पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाए जाने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर को कहलगांव से जोड़ने वाले NH-80 पर घोसपुर के समीप सबौर अंचलाधिकारी के आदेश पर बैरिकेडिंग लगाकर परिचालन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। आवाज आई अवरुद्ध हो गया है, इस कारण से लगाया जा रहा। क्यों अवरुद्ध हुआ है? अवरुद्ध पानी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनके बैरियर लगाया जा रहा है। क्यों? आदमी आर पार नहीं हो। कहाँ? पानी में नहीं जाने के लिए, पूरा पानी आ गया है। कहाँ गया पानी? रोड पर पूरा पानी आने के कारण से उसे बैरियर लगाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भागलपुर जिला कार्य समिति की बैठक सबौर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष नभय चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही पार्टी के विचारों और केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए जाने को लेकर रणनीति बनी। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहा कि वे भाजपा की प्राणवायु है, वे संगठनात्मक शक्ति को पहचाने और पार्टी एवं सरकार के सिद्धांतों और कार्य योजनाओं को जन जन तक पहुँचाए। पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट स्थित संत जानकीदास स्कूल में बिहार प्रादेशिक मालवाड़ी सम्मेलन शाखा इसीपुर का पुनर्गठन हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत आगंतुक अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात आगंतुक अतिथियों का सम्मान अंगवस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर किया गया। मंच के प्रांतीय अध्यक्ष महेश जालान के द्वारा नवगठित बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बाराहाट शाखा में अध्यक्ष परमानंद खेतान व उपाध्यक्ष परमानंद केजरीवाल व सचिव प्रदीप संथालिया को बनाया गया व अन्य कई लोगों को कमेटी का सदस्य बनाया गया। मौके पर प्रादेशिक महामंत्री योगेश तुलसियान, कमल केजरीवाल, गोविंद चालानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हमारे बाराहाट में शाखा की गठन की गई, जिसमें बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का बाराहाट इसीपुर का शाखा का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में परमानंद खेतान, उपाध्यक्ष परमानंद केजरीवाल, पवन लाठ, सचिव के रूप में नियुक्त किया गया प्रदीप संथालिया जी को, और कोषाध्यक्ष कुंजी बिहारी मंडायावाला, और सदस्यगण कार्यकारिणी सदस्य के रूप में बने, जिसमें भी आज हमारे लगता है हमारे ख्याल से 25 मेंबर आज नए जुड़े। आगे चल के ये शाखा किस तरह के सामाजिक कार्य करने हर तरह के कार्य में आगे बढ़ चढ़ के काम करेगी। ये कुछ ये नहीं देखेगी कि कौन मारवाड़ी है, कौन देसी है, कौन गरीब है, सबके साथ जो भी सहयोग होगा, बाढ़ पीड़ित हो, अग्नि हो, या आने वाला कोरोना काल हो, या किसी तरह की समस्या हो, हर सुख दुख में आपके साथ हो।
भागलपुर समाहरणालय के मुख्य गेट पर 2011 के होमगार्ड भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने अब तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने से आक्रोशित होकर जमकर बवाल काटा और जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण उन सभी की बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा चुकी है, जबकि प्रदेश के कई जिलों में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार जिलाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा बहाली की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ किए जाने की बात कही, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद उन सबों को बहाल नहीं किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार उनकी बातों को नहीं मानती तो उनके सामने आत्मदाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। गोराडी थाना परिसर में बिसहरी पूजा और मुहर्रम को लेकर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार और अंचलाधिकारी नवीन कुमार भूषण की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक रखी गई। वहीं थाना क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 को लेकर कोई भी जुलूस या आयोजन नहीं करेगा, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से पूजा पाठ करने का आदेश दिया गया है। अगर किसी के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।